फ्रेंड्स, मैंने कल की वीडियो में आपको असेंबली इलेक्शंस के बारे में पढ़ाया था कि 5 स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जिनसे असेंबली इलेक्शंस से नए सीएम अपॉइंट होंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उनमें से 2 स्टेट के तेलंगाना और मिजोरम के नए सीएम अपॉइंट किए गए हैं। कौन कौन? तेलंगाना के सीएम तो रेवंत रेड्डी जी और मिजोरम के सीएम ललदू होमा। ओके स्टूडेंट, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। रेवंत रेड्डी नेम तेलंगानाज न्यू सीएम। स्टूडेंट, रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के नए सीएम अपॉइंट किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और स्टूडेंट्स कांग्रेस के 64 वोट्स आए हैं तेलंगाना में। ओके स्टूडेंट, कांग्रेस वॉन विद अ मेजोरिटी मार्क बाय सिक्योरिंग 64। स्टूडेंट, कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी से जीती है 64 सीट से। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो रेवंत रेड्डी जी हैं वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो सबसे मेन क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। ओके, ही विल टेक ओथ एज अ तेलंगाना सीएम ऑन 7 दिसंबर। स्टूडेंट 7 दिसंबर को तेलंगाना के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, मतलब आज ये तेलंगाना के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तेलंगाना यंगेस्ट स्टेट है। स्टूडेंट यंगेस्ट स्टेट के ये सेकंड सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सेकंड, ललदू होमा टू टेक ओथ एज अ मिजोरम नेक्स्ट सीएम ऑन 8 दिसंबर। स्टूडेंट 8 दिसंबर को, मतलब कल, ललदू होमा शपथ लेंगे एज अ मिजोरम सीएम। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट जो ललदू होमा है जो मिजोरम के नए सीएम बनने जा रहे हैं, जो ZPM पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, जो ZPM पार्टी है वो 20 सीट्स से जीती है आउट ऑफ 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टूडेंट 40 सीट्स में से 27 सीट्स पे ललदू होमा जी जीते हैं, मतलब JPM पार्टी जीती है। ओके स्टूडेंट, और ये शपथ लेंगे 8 दिसंबर को एज अ मिजोरम सीएम। ओके, नाउ कम टू थर्ड, ओलंपियन एम श्री शंकर क्लेंचेस 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड। स्टूडेंट जो ओलंपियन एम श्री शंकर जी हैं उन्होंने 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड अपने नाम किया। स्टूडेंट जो एम श्री शंकर हैं ये एक लॉन्ग जंपर हैं और ये बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन रहे हुए हैं केरला के। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट जो उन्होंने 35th जिमी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड जीता है, स्टूडेंट इसमें 1 लाख के कैश प्राइज मिलते हैं। ओके, ये छोटा सा कोई अवार्ड फंक्शन था, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम से। ओके, नाउ कम टू फोर्थ, फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं COP28 क्लाइमेट समिट के बारे में। स्टूडेंट ये एक समिट है जो दुबई में हुई है। स्टूडेंट इस समिट में एक नए फंड की अनाउंसमेंट की गई है, एक क्लाइमेट फंड की अनाउंसमेंट के अल्टेरा फंड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। अल्टेरा फंड COP28 क्लाइमेट समिट। स्टूडेंट्स UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान ने COP28 क्लाइमेट समिट में दुबई में इस अल्टेरा फंड की अनाउंसमेंट की है। स्टूडेंट्स ये क्लाइमेट फंड है, ये $30 बिलियन का ये फंड है अल्टेरा फंड। स्टूडेंट इसका एम क्या है, इस फंड को क्यों अनाउंसमेंट की गई? ओके स्टूडेंट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टूडेंट जो ये अल्टेरा फंड है ये $30 बिलियन का फंड है। स्टूडेंट इस फंड में से $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है एट द एंड ऑफ द डिकेड के एंड तक। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट $250 बिलियन में से $25 बिलियन तो हमें क्लाइमेट स्ट्रेटेजीज को करने हैं और $5 बिलियन हमें इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट में लगानी है। ओके स्टूडेंट, एक तरीके से पूरा टारगेट रख दिया है इस समिट में कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे मैनेज होनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्टेरा के बारे में, रेफर्स टू अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन और वेरिएशन। स्टूडेंट अल्टेरा का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन और वेरिएशन। स्टूडेंट ये तो अल्टेरा फंड के बारे में, अब हम बताते हैं इंडिया ने रिफ्यूज क्यों किया है COP28 में साइन करने से। COP28 में 180 कंट्रीज ने साइन किया था जिसमें से इंडिया ने साइन नहीं किया, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से। क्यों? स्टूडेंट्स COP28 में टारगेट ये है कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे ट्रिपल करना है, उसकी प्लेज को ट्रिपल करना है, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 4-5 साल में हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर दें, एकदम से थोड़ा ना, सिर्फ 5-6 साल ही तो है, इसमें से एकदम कैसे हो जाएगा, तो इंडिया ने इसे रिफ्यूज कर दिया। एक तो ये रीजन था। सेकंड रीजन क्या है? स्टूडेंट्स हेल्थ केयर सेंटर में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उन्हें रिड्यूस करना है। हेल्थ केयर सेंटर में इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस पे है, लेकिन एकदम से ग्रीन हाउस गैसेज को कैसे रिड्यूस कर दें हेल्थ केयर सेंटर में, वो भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। और एक जो कोयल का यूज़ है उसे फेज आउट करना है, कोयल को एकदम से फेज आउट करना है। लेकिन स्ट्रेंथ हमारे इंडिया में मोर देन 50% जो कोल होता है वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो ऐसे एकदम से हम फेज आउट कैसे कर दें कोल को, तो इसलिए इंडिया ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ, आईएनएस संदक को सबमिशन कर दिया इंडियन नेवी को। स्टूडेंट्स ये इंडिया की लार्जेस्ट मेड इन इंडिया वेसल है आईएनएस संदक। इट इज़ फुली डिजाइन एंड बिल्ट इन इंडिया
और स्टंट इसे किसने बिल्ड किया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसे बिल्ड किया है, आयनर संधक को। क्वेश्चन स्टंट ये चार वेसल्स की एक सीरीज थी जिसमें से फर्स्ट वेसल है आयना संधक, मतलब एक पहली बनी हुई वैसल यही है आयना संधक। और स्टूडेंट इसका जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था चार वैसल्स को बनाने का, ये 30 अक्टूबर 2018 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ओके अब हम थोड़ा सा आयना संधक के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट इसकी लेंथ 110 मीटर्स है और इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी कितनी है, 3400 टन्स इसकी डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है। क्वेश्चन और स्पीड कितनी है इसकी, 18 नॉट्स इसकी स्पीड है। स्टूडेंट्स ये एक हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकते हैं और वहीं एक हॉस्पिटल शिप के तौर पर भी ये काम कर सकते हैं आईएनएस संधक। ओके नाउ कम टू सिक्स, वी रिलीज बुक हाईलाइटिंग पीएम मोदीज रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्टूडेंट धामी यूके के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक बुक को रिलीज किया है रेजिलेंट इंडिया। स्टूडेंट इस बुक में जो डिजास्टर मैनेजमेंट में मोदी जी के एफर्ट्स रहे, नरेंद्र मोदी जी के जो एफर्ट्स रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उसे दर्शाया एक तरीके से इन्होंने इस बुक में। उन्होंने बताया कि मोदी जी के कैसे कैसे एफर्ट्स रहे हैं जो डिजास्टर्स आए थे इंडिया में। स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।